Hey, I hope संध्या का मन हल्का हो गया होगा यहाँ पर आके। जो कुछ भी उस पे बीती है ना राहुल, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो तो है मानवी, तुम जानती हो तुम बहुत स्ट्रेस लेती हो, हर चीज को अपने दिल से लगा लेती हो। तुम भी थोड़ा सा रेस्ट करो, यू नो, टू गेट आउट ऑफ दिस, और संध्या को भी करने दो। एक काम कर, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बना, अच्छी सी मसाला जी, ओके? और खाना भी हम बाहर से मंगवा लेंगे, राइट? हाँ, चलो मैं चाय बना के आता हूँ। अरे संध्या, इसकी क्या जरूरत है? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जितना चाहो आराम कर सकती हो, उसके बाद जब मन करे तब काम करो। मानवी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आप सबके बारे में कितना सोचती हैं, हम गरीबों के बारे में कितना सोचती हैं। अगर आप सहारा नहीं देती तो मेरा क्या होता? अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा संध्या? देखो, अगर काम करने से तुम्हें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, तुम काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। जाओ, लेकिन रोना नहीं है, ठीक है? मैं यहाँ रोने नहीं, तुम सबको रुलाने आई हूँ मानवी। देखती जाओ, जल्द ही इस घर में मातम मचने वाला है, मौत का मातम। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जलती हूँ। मानवी सुनो, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से इनफैक्ट, हमारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा, और ये सारे हादसे, मौतें हुई हैं आसपास, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन हमें हार नहीं माननी, हमें नेगेटिविटी से, इन शक्तियों से लड़ना है, इन्हें जीतने नहीं देना है, और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहना है। हाँ राहुल, मैं इन शक्तियों को कभी जीतने नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, यही कहना चाहते हो ना? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्माइल बहुत कीमती है, क्योंकि जब भी तुम स्माइल करती हो तो कहीं ना कहीं किसी को गुड न्यूज जरूर मिलती है। अच्छा, और क्या स्पेशल है बताओ? बहुत कुछ अच्छा है। फोन? हाँ? ये तो नंबर भी नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये नंबर नजर आ रहा है, मेरे बहुत बड़े दुश्मन का फोन है। वो हर बार ऐसे मौके पर कोई ना कोई हरकत कर देता है जिससे मैं तो कुवारा ही रह जाऊंगा। बाप बनने का मेरा सपना पूरा नहीं होने वाला, बता रहा हूँ तुझे। सही कहा तुमने राहुल, तुम्हारे दुश्मन का ही था, सबसे बड़े दुश्मन का, जो अब तुम दोनों को कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने देगी।